और अब आपकी सैलरी की बात कर लेते हैं। वो लोग जो अपने दफ्तर में 8 या 9 घंटे की जीतोड़ मेहनत करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। कंसल्टिंग फर्म कॉर्न फेरी ग्लोबल ने अपने सैलरी फोरकास्ट सर्वे में बताया है कि साल 2023 में भारतीयों की सैलरी सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस साल भारतीयों की सैलरी 9.8% तक बढ़ सकती है। एशिया में सबसे ज़्यादा वेतन वृद्धि भारत में होने का अनुमान है। इस सर्वे के मुताबिक इस साल सबसे ज़्यादा फायदा टॉप टैलेंटेड कर्मचारियों को होगा। तो अगर आप भी टॉप टैलेंटेड कर्मचारियों की लिस्ट में हैं तो आपकी सैलरी में 15% से लेकर 30% तक का इजाफा मुमकिन है, क्योंकि अब सर्वे में यह भी बताया गया है कि कंपनियों को टैलेंट कर्मचारियों की कद्र है। सर्वे के मुताबिक 61% कंपनियां ऐसी हैं जो अपने कुछ प्रमुख कर्मचारियों को रिटेंशन पेमेंट दे रहे हैं, मतलब जो कर्मचारी होनहार हैं और काम में कुशल हैं उन्हें रोकने के लिए भी कंपनी पैसे खर्च कर रही है। भारत पूरे एशिया में ऐसा देश है जहां कर्मचारियों का सैलरी इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस लिस्ट में दूसरे देश कहां हैं वो भी आपको बता देते हैं। भारत के बाद वियतनाम के कर्मचारियों की सैलरी 8% तक बढ़ सकती है। इंडोनेशिया के कर्मचारियों के वेतन में 7% की बढ़ोतरी हो सकती है। चीन और फिलीपींस में ये इंक्रीमेंट 5.5% तक हो सकता है। इसी तरह मलेशिया और थाईलैंड के कर्मचारियों के वेतन में 5% के इजाफे का अनुमान है। खबर अच्छी है, लेकिन देखिए सबके बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है।